नमस्कार शुभ संध्या प्राइम टाइम ओडिशा सहित मु भवानी आपनको स्वागत करछि। प्रथमे आसंतु नजर पकेबा वर्तमान समर हेडलाइंस कोन रखिछि। आउ चालिलानी लुचकाली, शेषे बंधा हेले अभिनेता पप्पू पंपम। नाबालिकाको जौन निर्यातना अभियोग रे गिरफ कला कमिश्नरेट पुलिस, सहयोगी गिटू भी गिरफ सूचना। न्यूज सेवेन महाप्रभाव, प्रथमे न्यूज सेवेन स्टूडियो रे अभियोग आनीथिले नाबालिका। सीडब्ल्यू सिंह का निर्देश क्रमे महिला थाना रे रुजु होइथला मामला। न्याय अपेक्षा रे बालेश्वर गण दुष्कर्म पीड़िता नाबालिका। बालेश्वर डाक्तरखाना रे झियोटर चली चिकित्सा, दुर्वृत्तों को गिरफ पाई बढ़ुची दाबी। प्रदीप माझी को गिरफ प्रतिवाद रे कांग्रेस रा गर्जन। बारीपदारे जिलापालों कार्यालय रे भंगारुजा। मलकानगिरी रे विक्षोभ, दुई रे केबीके बंद डाकरा, सेबडे जवाब रखिला बीजेडी। विजु जन्म शतवार्षिकी उपलक्षे राज्य सरकार को माराथन कार्यक्रम। आउ 100 पानीय जल प्रकल्प सहित कोरापुट रे सिटी बस सेवार शुभारंभ कले नवीन। धीरे धीरे सुस्थ होती श्रीजीव। आज एकादशी तिथि ओष लगे, सेबड़े रथ पर व्यस्त दरजी। न्यूज सेवेन महाप्रभाव, शेषे केलेंकार रंगीला टोका पप्पू पंपम को गिरफ करिछि कमिश्नरेट पुलिस। न्यूज सेवेन नाबालिकाक अभियोग पर सीडब्ल्यूसी निर्देश रे महिला थाना रे मामला रुजु होता। पप्पू को गिरफ दाबी रे सारा राज्य रे आंदोलन जोरदार होता बेले गतकाली बीजेडी मध्ये से बहिष्कृत होते। आउ बहिष्कार ठीक 24 घंटा भी जाइनी, कमिश्नरेट पुलिस जाल को आसी पप्पू पंपम। शेषे बंधा हेले पप्पू पंपम, रंगिला टकर बाजी जाइछे डिंगडंग। नाबालिका को जौन निर्यातना अभियोग रे पप्पू पंपम को धरी कमिश्नरेट पुलिस। गतकाली बीजेडी रु बहिष्कार हेबा परे पप्पू जे गिरफ हेबे से संभावना बढ़ी बढ़ी चलीथला। पप्पू का बासभवन आगरे पुलिस नोटिस मारी आसीथला। 48 घंटा भितर पप्पू गिरफ हेबे बोली सूचना देथिले पुलिस कमिश्नर, जहां स्पष्ट करथिला जे पप्पू पुलिस कब्जा को आसीगले। पप्पू को सहित तांकर सहयोगी प्रदीप स्वाई और गिटू को मध्य गिरफ करा जाई छी। ते तांक सहित मध्य आउ किछि 3 जण बंधु थिले एवं ते 3 जण बंधु को सहित एबे पप्पू को धरी स्पेशल स्क्वाड भुवनेश्वर अभिमुखे आरंभ कर दी छी आसीबा। पप्पू पंपम को विरोध रे लागिथिबा दफा अति संगी, तेणु तांकु सहजरे जामीन मिली न पारे। रंगिला टोका एबे किछि दिन विचार विभाग हाजत रे रहिबा थय। ओस्कार चिटफंड दुर्नीति रे फसी उबुटुबु हेउथिले पप्पू, तापर जना पड़ा बाबू कास्टिंग काउचर भी भिले। नाबालिका को जौन निर्यातना नहीं महिला थाना रे मामला रुजु हेबा परे छंदी होई पड़ी पप्पू। एणे पप्पू को तुरंत गिरफ करने लगी बारीपदारू ब्रह्मपुर, राउरकेलारू भुवनेश्वर जाए रास्ता को ओल्लैले महिला। जने नाबालिका को जौन निर्यातना दे पप्पू को एक्सक्यूज नाई बोली चिल्ले चिल्ले कही। एबे पप्पू गिरफ हेबा परे हॉलीवुड उपरे लागिथिबा कास्टिंग काउचर कलंक सामान्य हटी बसिना किंतु पूरा कला लिभाइबाकु दाबी बढ़ुछि। भुवनेश्वर निरोध पटनायक लक्ष्मीधर महापात्र को सह ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। तो ये थिला आज दिनर सबुठारु बड़ खबर। तत्वप्रकाश शतपथी और पप्पू गिरफ होती, गिटू मध्य गिरफ होइतबार सूचना मिली। निमापड़ा एक स्थान कमिश्नरेट पुलिस पप्पू को शेषे गिरफ कर गतकाली बीजेडी दलर बहिष्कार कर पुलिस सूचना देता खूब शीघ्र पप्पू पंपम बा तत्वप्रकाश शतपथी को गिरफ कर गिरफदारी वर्तमान हो सारी। ये हूँ आज दिन सबुठारु बड़ खबर। दीर्घ दिन धरी पप्पू को विरोध में उठी विरोध स्वर जे पप्पू को कहीं गिरफ कर कमिश्नरेट पुलिस को मध्य निश्चित भाव में समालोचनार शिकार होगा पड़ता। शेषे पुलिस तरफ कहुला खूब शीघ्र पप्पू को गिरफ कर वर्तमान समय सबुठ बड़ खबर हूँ यह पप्पू को शेषे कमिश्नरेट पुलिस गिरफ कर। न्यूज सेवेन प्रथम एक खबर को सामना को आसीथला जे किभली भाबरे नाबालिका जो अभियोग आनीथले, प्रथम न्यूज सेवेन स्टूडियो एभली एक जने नाबालिका अभियोग आनीथले जे पप्पू पंपम निर्यातना देइछंती।
एवं ए निर्यातना खबर शुणा पर पप्पू पंपम जिक बिल्कुल क्यमेरा फ्रेंडली थे हठात से क्यमेरा आगक आसवाक डरी एवं जेतेबेले कमिश्नरेट पुलिस तांको दरवाजा खटखटेला सेतेबेले पप्पू पंपम से एरिया रे नथिले अर्थात पप्पू पंपम फरार होई जायथिले आईन आगरे समस्त समान एक कथा पुणी थरे प्रमाणित होईची एवं पप्पू पंपम कर सेसरे गिरफ्तारी होईची पप्पू पंपम जहां को आपण टीवी स्क्रीन रे देखुचंती टीवी स्क्रीन रे अति सरलिया व्यवहार करथवा ए व्यक्ति एते जटिलता भितरे पसी जायथिला जेउ जटिलता भितरु बाहरिबा एक प्रकार मुश्किल होई जायथिला एवं सेसरे सेया हेला जहां समस्त दावी करथले जे पप्पू पंपम को गिरफ केबे करा जइबो ए प्रश्नर अवसान बे घटिछि एवं पप्पू पंपम को पाई निश्चित भाबरे आइनगत प्रक्रिया जटिल होइछि तत्व प्रकाश शतपथी और पप्पू पंपम गीत गाइबा को आसिले हेले बनी गले कॉमेडी मैन खूब शीघ्र से ना भी कमाइले आउ ना होइगला पप्पू पंपम जेमती उठीते सेमती कचाड़ी हुई पड़े केवल निजर कलाकार नाम ऑस्कर चिटफंड दुर्नीति आसला ना कि जना पड़ा कास्टिंग काउच रे से पूरा बिलबिला केमी थी पप्पू के पर्दाफाश्र घटनाक्रम आसतु देखा रिपोर्ट रे कौन रही मामा कौन कह एक्जाक्टली कौन घटी तुम सहित तुम पप्पू पंपम सहित केमी आसपर्श तो मुझे फेरु थी से निजे स्कूटी नहीं के आसते से निजे एकला ही आसते तो से मो सांग को चिन्हे और बाबा को भी चिन्हे से सहित कथा तो मो सहित भी कथा 25 जून संध्या 6 न्यूज 7 स्टूडियो रे निजो दुख कहानी कहितले नाबालिका छ पप्पू को असल चेहरा कैमेरा आगे खोली दीथले हीरोइन कराई देवार प्रतिश्रुति देई केमिति शारीरिक एवं मानसिक निर्यातना देथले शुणंतु से दिन कोन कहितले नाबालिका नवंबर 21 से मते डाकिले फोन करके कि आसे आउ जिबा आमे सिठी कि गोटे जगह को जिबा आसे मु पचार थिली काई कि ना हो ठीक अछि तो आसे किछि नै आसे बस जिबा तुम कहली हो तापर मते फास्ट स्टेशन नो डेल्टा नेले तो सिठी मो सते जबरदस्ती कले मते हक करिया पय ट्राई कले तो मु सिठी बहुत कांदितली तंगो मना भी करथिली प्लीज तय कर मते छाडी दियो केवल सेतिक नुहे नाबालिका बखाणी थे पप्पू कुआडे दीर्घ दिन धरी निर्यातना से जेबे से नवम्बर पाठ पढ़ुते केमी भिन्न भिन्न समय निर्यातना आउ एक फोन रेकर्डिंग ही पप्पू मनर पाप को पदारे पकड़ बुझे रास्ता मझे गले दृश्य होची महिला थाना रो नाबालिकांको पई थाना रे अभियोग कला फ्रेंड्स फाउंडेशन रो किंतु पुलिस केवल स्टेशन डायरी कथा कही सेज रखतला जून 27 घटना रे हस्तक्षेप कले सीडब्ल्यूसी तुरंत नाबालिकांको बयान रिकॉर्ड कराई मामला रुजु करबा को कमिश्नरेट पुलिस को निर्देश करे जून 27 सीडब्ल्यूसी को निर्देश भितरे मामला रुजु कला कमिश्नरेट पुलिस सीआरपीसी रो धारा 354 ए 506 509 34 एवं पोक्सो आईन धारा 8 एवं 12 रे केस रुजु कला जून 28 पप्पू बरमुंडा स्थित भड़ा घर को गला पुलिस डिंग डंग टू पप्पू पंपम
ସୁଇଚ୍ ଦାବିଲା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ସିନା ହେଲା କିନ୍ତୁ ପପୁ ନଥିଲେ ଏଣୁ ପପୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଠିଲା ବିରୋଧର ସ୍ୱର ବିରୋଧର ସ୍ୱର ତେଜିଲା ବିରୋଧୀ ଘେରିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବିଜେଡି ପପୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ବଢ଼ିଲା ପପୁଙ୍କ ଗିରଫ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଜୁନ 29 ରାତି ପୁଣି ପପୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଲଗାଇଥିଲା ନୋଟିସ୍ ଜୁଲାଇ 7 ମଧ୍ୟରେ ଥାନାରେ ଆସି ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ବହିଷ୍କାର 24 ପୁରିନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଜୁନ 30 ବହିଷ୍କାର 24 ବି ପୁରିନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 କମ୍ ସେ କମ୍ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ବା ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରକାଶ ପ୍ରତି ଏବେ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଯେ ଜୀବନ କମେଡି ନୁହେଁ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ଜୋର ଧରୁଛି ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାରିପଦାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହିତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଥିବାବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଦାହ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 2 କେବିକେର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହଙ୍ଗାମା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ ଖଲାସ କର ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଗିରଫ ଅନ୍ୟ 18 ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଧସେଇ ବସିବା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଦୃଶ୍ୟ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ପୁଲିସ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏଠାରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହେଁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଠାରେ ବେରୋଜଗାରୀ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ରକ୍ଷକ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ଷକ ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ କ୍ଲିନ୍ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମିଟି କରନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆମର ନେତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟାବହ ରୂପ ନେବ ଏବଂ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବ ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା 2 କେବିକେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ କେବିକେର 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଶା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଲଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ପଟା ଦିଅ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାଜତକୁ ଗଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଏଠି ଅପରାଧୀଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟ 8 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ 2 କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରିକତା ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଆଗରୁ ତ କାହିଁ ସେ 5 ସାଂସଦ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ବିଷୟରେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ କାଣ୍ଡ ବିହେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେପଟେ ଆଜି 5ମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ଅନଶନ ତେବେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ତାଙ୍କର 10 ସହଯୋଗୀ ଆଜି ଅନଶନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଜେଲ୍ରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚଳାଇଛନ୍ତି ସୋର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 48 ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଲାଣି ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଟେର୍ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ବି କରାଯାଇପାରିନି ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବଡ଼ ଖବର